हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीएससी सेमेस्टर हिस्ट्री का जो पेपर वन का सिलेबस है, जिसका टाइटल है ईरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, तो उसका सिलेबस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस वही होगा, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस वही है। तो आप लोग सिलेबस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हाँ, देखिए, आपके एग्जाम का जो पेपर का पैटर्न है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकता है, लेकिन सिलेबस आपका सेम होगा, टॉपिक आपका सेम होगा। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखो, आज की वीडियो में मैं आपके हिस्ट्री के पेपर वन, जिसका क्या टाइटल है बताइए, ईरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, तो उसकी महासंग्राम क्लास लेकर आई हूँ। और आज की वीडियो में मैं लगभग आपको 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन बताने वाली हूँ, एमसीक्यू बताने वाली हूँ, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और वो आपसे पूछे जाएंगे। ये सारे आपके यूनिट्स के एमसीक्यू हैं, तो ध्यान से देखिएगा और उनको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके वही पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किसने चलाया। देखिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स टाइप में इसी तरह के प्रश्न दिए जाएंगे। तो असहयोग आंदोलन किसने चलाया, किसने चलाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलाया, या सरदार पटेल ने चलाया, या महात्मा गांधी जी ने चलाया, या पंडित मोतीलाल नेहरू ने चलाया। किसने चलाया, आप पढ़ चुके हैं, महात्मा गांधी ने चलाया था असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर स आपका राइट आंसर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई। तो पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखो, इसकी मांग की गई थी लाहौर में। तो आपका जो राइट आंसर है वो है स नंबर वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, गांधी जी के अतिरिक्त किसका जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो देखिए, हम प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा किसका और जन्मदिन मनाया जाता है। तो किसका जन्मदिन मनाया जाता है, आपको याद है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था और गांधी जी का जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था। तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पे आपका द वाला ऑप्शन राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा, जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब घटी। देखो, जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब घटी थी, तो कब घटी थी, देखो 1919 में घटी थी। कहाँ पर, अमृतसर के जलियांवाला बाग में हत्याकांड घटना ये हुई थी, जिसे जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा निहत्ते नागरिकों पर गोली चलवा दी गई थी, जिसमें 379 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। तो ये हत्याकांड कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। तो आपका अ वाला सही उत्तर है। अगला देखो, चौरी चौरा कांड घटित हुआ। तो चौरी चौरा कांड जो था वो 6 फरवरी 1922 में घटित हुआ था, और परीक्षा के दृष्टि से ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखना। देखो, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया, ये देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये जरूर पूछेगा, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया। तो किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था पुनर्गठन आजाद हिंद फौज का। तो ऑप्शन नंबर अ आपका राइट है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आरंभ किया गया था, देश को आजाद कराने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो अ वाला आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो प्रथम जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो 12 नवंबर 1930 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, ये जरूर आपसे पूछेगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन के बारे में आपको बता चुकी हूँ, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में भारत आया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। और जब कैबिनेट मिशन भारत आया, तभी भारत को अपना संविधान सभा बनाने की इजाजत मिली, और फिर संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में 9 दिसंबर को। तो याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया, कहाँ से आरंभ किया था गांधी जी ने। तो दांडी से किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। देखो, नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी से अपना आंदोलन शुरू किया था, दांडी से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने जो आंदोलन की शुरुआत की थी तो उसका जो मुख्य केंद्र था वो साबरमती आश्रम था, और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आंदोलन चलाया था जिससे उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था तो उसी आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो उसका मुख्य केंद्र था साबरमती आश्रम, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में, ये याद रखना है आपको, कब पारित हुआ था? तो 1929 में, ठीक है ना, 1929 में। तो तीसरा नंबर आपका राइट आंसर है। अगला देखो, अगला है एक यहाँ पे कथन दिया जा रहा है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे तो किसने ये नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि हमें भी आजाद होकर जीने का अधिकार है, मतलब तुम हमारे देश पर राज नहीं कर सकते और ये मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक जी का, जिन्होंने ये नारा लगाया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है, बाल गंगाधर तिलक जी। अगला प्रश्न देखो, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और देखो, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ये तो आपसे एकदम लिख के रख लीजिए कि पूछेगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन देखो, किसने दी थी गांधी जी को महात्मा की उपाधि? हम महात्मा गांधी के नाम से इनको पुकारते हैं, गांधी जी को, तो किसने दी थी महात्मा की उपाधि? ऑप्शन देखिएगा, पहला है बाल गंगाधर तिलक ने, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस ने, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, चौथा है लाला लाजपत राय ने। तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? देखिए, हम गांधी जी को बापू के नाम से भी, बापू के नाम से ये जाने जाते हैं, हम इन्हें बापू भी कहते हैं, तो राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी जी को किसने दी थी? किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन के प्रभाव से कौन सी एक घटना घटित नहीं हुई? ये प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, देखो। और जितने प्रश्न बता रही हूँ एकदम दिमाग में फिक्स करते चलिए, या कहीं नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एग्जाम में यही प्रश्न आपके एग्जाम में दिया जाएगा, पेपर में आएगा। देखो, असहयोग आंदोलन जिसको गांधी जी ने चलाया था, तो इसके प्रभाव से कौन सी एक घटना घटित नहीं हुई थी? तो कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी आपको पहले ऑप्शन देखना होगा। देखो, देखिए, पहला ऑप्शन है आपका भारतीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, तो ये घटित हुई थी, भारतीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई थी, ठीक है, असहयोग आंदोलन के प्रभाव से इसकी स्थापना की गई। दूसरा, स्वदेशी को प्रोत्साहन, देखिए स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया गया असहयोग आंदोलन के प्रभाव से, और बहिष्कार किया गया विदेशी वस्तुओं का, ठीक है, कि हम विदेशी वस्तुओं को प्रयोग नहीं करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे, उनको जला दो, इस तरह का आंदोलन किया गया। और स्वदेशी वस्तुओं का प्रोत्साहन दिया गया कि अपने देश में बनी गई वस्तुओं का प्रयोग करो, ठीक है, ताकि अपने देश की वस्तुएं जब प्रयोग की जाएंगी तो हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और देश ऑटोमेटिक है विकास करेगा, ठीक है। तो इसलिए स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तीसरा था, ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया गया, तो असहयोग आंदोलन के द्वारा इसका प्रभाव पड़ा कि ब्रिटिश जो अदालत थी उनका भी बहिष्कार किया गया। तो देखिए, असहयोग आंदोलन के प्रभाव से ये तीनों ही घटना घटित हुई थी, तो घटित कौन सी नहीं हुई थी? तो महिलाओं को मताधिकार, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला आपका प्रश्न है, कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ये देखो, जरूर पूछेगा, कूका आंदोलन जो था वो किसने प्रारंभ किया था, किसने इसकी शुरुआत की थी? तो किसने की थी? सदगुरु राम सिंह ने की थी। किसने की थी? सदगुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन की शुरुआत की थी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, खिलाफत आंदोलन के समाप्त होने का कारण था? तो देखो, खिलाफत आंदोलन जो था ये भारत में हुआ आंदोलन नहीं था, लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ की गई थी, इसको गांधी जी के द्वारा, मतलब इसको असहयोग आंदोलन से जोड़ा गया था। देखो,
इसको समाप्त होने का कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन जो था, तो यहाँ पे आप अपना ऑप्शन नंबर 4 देखिए। तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा शक्ति प्राप्त करने एवं खलीफा पद समाप्त करने से। देखो खलीफा का पद होता था मुसलमान, देखो गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने में हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े, ठीक है, हिंदू मुसलमान मिलकर रहे, तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ा। और खलीफा का जो पद था, ये देखो जैसे मुसलमान कम्युनिटी में जो होते थे पहले, मुस्लिम देशों में जैसे तुर्की, ईरान, ईरान इराक, इन सभी देशों में जो सबसे ऊंचा पद होता था, जैसे बादशाह जो होते थे, वो खलीफा के नाम से जाने जाते थे। तो खिलाफत आंदोलन समाप्त होने का कारण यही था कि जो तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा थे, इनके द्वारा शक्ति प्राप्त की गई एवं खलीफा का जो पद था उसी को समाप्त कर दिया गया। तो खलीफा का पद जब कमाल पाशा के द्वारा समाप्त किया गया, तो वहीं से खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत डांडी मार्च से हुई? तो किस आंदोलन की शुरुआत डांडी मार्च से शुरू की गई थी? देखो किसने शुरू की थी डांडी मार्च? महात्मा गांधी जी ने। तो कौन सा आंदोलन था वो, आपको याद होना चाहिए। डांडी मार्च की जब शुरुआत गांधी जी ने की थी, तो नमक कानून को तोड़ने के लिए किया था। तो नमक कानून से जुड़ा आंदोलन कौन सा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन है। तो इसकी शुरुआत डांडी मार्च से हुई थी। किस आंदोलन की? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? यानी HSRA इसकी स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1928 ईस्वी में। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन का विरोध करना है, इसका बहिष्कार करना है? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में मतलब ये निर्णय लिया गया था? तो साइमन कमीशन क्या था, इसके बारे में मैं जब आपका सिलेबस अपलोड की थी तो थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि साइमन कमीशन जब भारत आया तो इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसमें 7 सदस्य थे जो कि सब अंग्रेज थे, एक भी इसमें भारतीय नहीं थे। तो भारतीयों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इसमें एक भी भारतीय नहीं है, तो इसलिए इसका विरोध किया गया और साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। तो साइमन गो बैक का नारा प्रश्न अगर पूछ दे कि सबसे पहले किसने लगाया, तो लाला लाजपत राय जी ने लगाया था। तो यहाँ पे आपका प्रश्न पूछ रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया गया था? तो मद्रास अधिवेशन में, वो जो 1927 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। अगला देखिए, पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई, आपको पता होगा, लाला लाजपत राय जी को प्रदान की गई थी पंजाब केसरी की उपाधि। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर पूछेगा, तो याद रखिएगा, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए, नेहरू रिपोर्ट संबंधित थी, तो नेहरू रिपोर्ट किसे संबंधित थी? किससे संबंधित थी? शिक्षा सुधार से नहीं, सांप्रदायिकता पुरस्कार से नहीं, संवैधानिक ढांचा से। किससे संबंधित थी नेहरू रिपोर्ट? तो संवैधानिक ढांचा से ये संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर है, संवैधानिक ढांचा। अगला है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? जो साइमन कमीशन भारत आया तो उसमें कितने सदस्य थे, और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो भारत ये आया था 1928 ईस्वी में। ठीक है, तो साइमन कमीशन में जो थे वो 7 सदस्य थे और पूरे के पूरे अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं थे, तो इसका भारतीयों ने विरोध किया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और जरूर पूछेगा आपकी परीक्षा में। तो साइमन कमीशन याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत भेजा गया था, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला है, साइमन गो बैक का नारा सबसे पहले किसने दिया? तो साइमन गो बैक का नारा सबसे पहले किसने दिया, मैं आपको बताई हूँ अभी, लाला लाजपत राय ने दिया था। तो देखिए, लाला लाजपत राय ने जब साइमन गो बैक का नारा दिया, तो
इस पर अंग्रेजों के द्वारा जैसे इस पर इन पर अंग्रेजों द्वारा बहुत ज्यादा लाठी चार्ज की गई और इन इनका शरीर इतना घायल हुआ कि इनकी मृत्यु भी हो गई थी। लाठी चार्ज इनके ऊपर बहुत ज्यादा किया गया था जब इन्होंने साइमन गो बैक का नारा लगाया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि साइमन गो बैक का नारा सबसे पहले लाला लाजपत राय ने दिया था। अगला आपका प्रश्न है, लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ? देखिए जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं, जितने लोग भी जिन्होंने आंदोलन किया, उन सभी का जन्म मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और मैं लगातार जो वीडियोस अपलोड करती रहूँगी तो सभी में आपको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिनको आप तैयार करके एग्जाम में जाइएगा, वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, देखिए 28 जनवरी 1865 ईस्वी में। कब हुआ था? 28 जनवरी 1865 ईस्वी में लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हुई थी, जब इन्होंने साइमन गो बैक का नारा लगाया तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज किया गया था, जिससे ये बुरी तरह से घायल हो गए थे और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 1928 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। केसरी, केसरी एक पत्रिका थी, मराठा ये भी एक पत्रिका थी। देखिए ये दोनों अलग अलग पत्रिका थी, आप ये मत समझिएगा कि केसरी व मराठा एक ही नाम है। केसरी अलग एक पत्रिका और मराठा अलग एक पत्रिका है। तो इस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो पहला आपका ऑप्शन देखिए महात्मा गांधी, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है मोतीलाल नेहरू, चौथा है फिरोज शाह मेहता। तो केसरी व मराठा पत्रिका के जो संपादक थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है, इन्होंने ही इन पत्रिकाओं का संपादन किया था। अगला प्रश्न देखिए, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो देखिए भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी में। कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी में इनको फांसी दी गई थी। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगाया गया, ये आंदोलन जब किया गया 1942 ईस्वी में, तो उस टाइम भारत का जो वायसराय था वो कौन था? तो वो था लिनलिथगो था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा, मलाया में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो मलाया में सबसे पहले आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, किसने किया था, आपको बहुत अच्छे से पता है। हाँ जी, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक पर लाल किले में ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुकदमा चलाया गया था? आजाद हिंद फौज के वो कौन से सैनिक थे जिनके ऊपर ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? तो वो सैनिक कौन थे, उनका नाम क्या था? पहला ऑप्शन है गुरबख्शा सिंह ढिल्लो, दूसरा है पीके सहगल, तीसरा नाम है शाहनवाज, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों जो थे आजाद हिंद फौज के सैनिक थे और इन तीनों पर ही लाल किले में मुकदमा चलाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो उपर्युक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 1915 ईस्वी में। ठीक है, 9 अप्रैल 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। और स्टूडेंट्स, अपने बीए के 6th सेमेस्टर में यदि आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके लिए भी चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा, उसका सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया और लगातार उसकी सभी यूनिट्स वीडियो लगातार आ रही है, पूरी डिटेल वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, तो आप उसके लिए जरूर चैनल पर विजिट कीजिएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन नागपुर, दूसरा लखनऊ, दिल्ली या वाराणसी में। तो इसकी स्थापना नागपुर में हुई थी, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन ने किस दिन भारतीय समस्या के समाधान संबंधी वक्तव्य दिया? देखो तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किस दिन भारतीय समस्या के समाधान संबंधी क्या किया, वक्तव्य दिया था?
तो इसका राइट आंसर है 3 जून 1947 ईस्वी में, ठीक है। और देखिए लॉर्ड माउंटबेटन, आपको एक योजना भी पढ़नी है, माउंटबेटन योजना, और वो माउंटबेटन योजना क्या है इसके बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ। माउंटबेटन योजना में जो दो मुख्य बातें लिखी गई वो ये थी कि जो बातें थी, पहली ये थी कि भारत को अब 1947 में ही आज़ाद कर दिया जाएगा और ये दो राष्ट्रों के रूप में आज़ाद होगा, भारत और पाकिस्तान, दो स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में ये 1947 में आज़ाद हो जाएगा। और हम 1947 में आज़ाद हो गए और भारत का पार्टीशन हो गया और एक नया राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में सामने आया। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने किस दिन भारतीय समस्या का समाधान संबंधी व्यक्त किया था, तो 1947 3 जून को, याद रखिएगा। दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला आपका प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए भारत की स्वतंत्रता के टाइम, जब भारत हमारा आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए आप ये पढ़ चुके हैं, इसको मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस लिए रहे होंगे तो उनको पता होगा, मैं पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें मैं आपको कैबिनेट मिशन के बारे में पूरा पढ़ा चुकी हूँ, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान कैसे बना, उन सारी चीजों पर हम जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो एटली था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वन आपका राइट है, एटली। अगला देखिए, अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो कौन अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं? देखिए दो भाई थे जिन्हें अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है, जो प्रसिद्ध हैं, तो कौन है? रहमत अली एवं लियाकत अली, नहीं। दूसरा है मोहम्मद अली एवं शौकत अली, हाँ मौलाना मोहम्मद अली एवं मौलाना शौकत अली, ये अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर टू आपका राइट है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है, किसकी हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया? देखिए लाला लाजपत राय, जब इन्होंने साइमन गो बैक का नारा लगाया था तो इन पर लाठीचार्ज की गई जिसके कारण ये बुरी तरह से घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी, तो किसकी मृत्यु, किसकी हत्या करके इनकी मौत का बदला लिया गया था? सैंडर्स जो अंग्रेज अफसर था, इसकी मृत्यु भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर सैंडर्स की हत्या की, इसको मारा और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला ले लिया था। तो ऑप्शन नंबर वन आपका राइट है, सैंडर्स को मार करके लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लिया गया था। अगला देखिए, देश बंधु की उपाधि किसे दी गई? देश बंधु की उपाधि किसे दी गई थी? तो किसे दी गई? चितरंजन दास को दी गई थी। ऑप्शन नंबर टू आपका राइट है, चितरंजन दास। अगला देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन था? देखिए ये एक बुक है, इस बुक को किसने लिखा? इंडिया विंस फ्रीडम, ये एक बुक है, इस बुक के राइटर कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके राइटर हैं। ऑप्शन नंबर वन आपका राइट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। अब देखिए अगला है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसके बाद ही हमें संविधान सभा मिला, बनाने की परमिशन मिली थी। तो ऑप्शन नंबर फोर आपका राइट है। अगला देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए ये 7 सितंबर 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर वन आपका राइट है। और जलियांवाला हत्याकांड की घटना कब घटित हुई? तो 1919 ईस्वी में घटित हुई थी, जिसमें 379 लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। तो याद रखिएगा 1919 में जलियांवाला हत्याकांड घटित हुआ था। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने लगभग आपको 50 के करीब महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन बताए हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार करके ही एग्जाम में जाइएगा, और आगे मैं इसी तरह के सॉल्व मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड करूंगी, और जिनकी लिखित परीक्षा होती है उनके लिए भी वीडियो मैं जल्द अपलोड करूंगी। और अभी आप 6 सेमेस्टर में हिस्ट्री के अलावा सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके लिए भी जरूर विजिट कीजिएगा, चैनल पर क्लास चल रही है, और पूरी कोशिश करूंगी कि आपके अदर सभी सब्जेक्ट के जल्द सिलेबस में अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई जल्द से शुरू कर दें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।